Shri Prabhat ji. Adarniya Sabhapati Mahoday. सदन बहुत गंभीर है और जब मैं शरद जी को सुन रहा था तो लग रहा था कि बहुत पीड़ित हैं और पीड़ा से स्वाभाविक भी है। प्रकाश जी ने कल नकवी जी ने दोनों ने ये बात कही कि इस तरह की घटना का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता, भर्त्सना के सिवा कोई नहीं कह सकता। दर्द अगर यही है तो हम आपके साथ शामिल हैं। दिक्कत यह है कि दर्द कुछ और है और उसका इलाज जनता करती है, हम नहीं करते। कल हमारे गुलाम नबी जी ने कहा था कि आज देश में जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है या हिंदू मुस्लिम या ऊंची नीची जाति की लड़ाई नहीं है। मैं गुलाम नबी आजाद जी को बधाई देता हूं, उन्होंने आज भी इसी बात को दोहराया और उनके इन बातों के साथ हम दिल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई संघ ने छेड़ रखी है, ऐसा हर मामला संघ परिवार से जुड़ा नजर आता है। सत्ताधारी दल ने संघ परिवार को यह कह रखा है कि हम गौरक्षकों की हिंसा का बयान देते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें। प्रधानमंत्री ने इस पर बयान दिया है लेकिन सरकार ने शायद ये सोच रखा है कि हम बयान देते रहेंगे लेकिन तुम अपना काम करते रहो। देश सबका है लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार खुद ही देश का माहौल बिगाड़ रही है। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने संघ परिवार पर आरोप लगाए हैं, बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना मैं नहीं सब लोग जानते हैं यह उचित नहीं होता है। संघ क्या है वह मुझे आज मजबूरी में यहां बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और इसलिए आज इस सदन में यह बात रखने की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने संघ को किन नजरों से देखा मैं नहीं जानता, उन्होंने सारे सीधे सीधे आरोप लगाया है। आपने पर आरोप लगाया, आप संघ को जानते हैं? मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं, अखबारों से पढ़ के जानते होंगे। हम लोग शाखा जाकर संघ को जाने। अनेक चुनौतियों के बाद भी आज 7 से 8 दशक के बाद भी गुलाम नबी साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अद्वितीय स्थान पर बैठा है। आपने क्या क्या नहीं आरोप लगाए हम पर, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद भी हम निरंतर बढ़ रहे हैं। विभाजन के समय सीमा पर निगरानी हो, कश्मीर के विलय के योगदान हो, 1962 के युद्ध में सेना का योगदान हो, गोवा विलय में बने सारथी संस्कृति का रक्षक, आपातकाल का विरोध हो, संघ अपनी नीतियों से देश के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। यह मैंने ये इतिहास है। जिस तरह आप गर्व से कहते हैं कि आजादी आपने दिलाई, हम लोग तो थे नहीं, हम तो उसके बाद पैदा हुए, हमारी गलती है नहीं, लेकिन आरएसएस ने क्या किया है यह देश के इतिहास में और आगे बताता हूं। याद कीजिए 1963 का वो ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस, जब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3,500 कार्यकर्ता पूरे गणवेश में सज धज कर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने सैल्यूट दिया था तिरंगे को। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था आरएसएस को। आप किस आरएसएस की बुराई कर रहे हैं? हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शकों ने, भारत के नागरिकों ने उस परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेशधारियों का सैल्यूट से स्वागत किया था। आज भी अधिकतर देशवासियों को यह पता नहीं है और उन्हें यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस की परेड से आमंत्रित करने का फैसला स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और उसके बाद एक और बात बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि पंडित नेहरू संघ कार्यकर्ताओं के राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर उनका सम्मान करना चाहते थे। जब यह बात गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु जी ने कहा नहीं, हमने गणतंत्र का सम्मान किया है, हम इस तरह व्यक्तिगत सम्मानित नहीं होना चाहते, आपने हमें गणतंत्र दिवस पर बुलाया,
हम उसी को अपना सम्मान मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 31 अगस्त 1998 को इसी सदन में कहा था और कोट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के वाक्य को। उन्होंने कहा था कि मेरे एक प्रश्न के जवाब में नेहरू जी ने कहा था कि मेरी पार्टी यानी कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विचारों का विरोध तो रखती है, लेकिन जब देश संकट में हो तो हम सबको आपस में साथ लेकर काम करना, और इसलिए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस के परेड में बुलाया था। नकवी जी, नहीं नहीं, बड़प्पन, उसी बड़प्पन की तलाश कर रहे हैं हम राजनीति में। दुर्भाग्य आज इस राजनीति में इस उदारता की आवश्यकता है। मैंने विरोध तो नहीं किया नेहरू जी का, नेहरू जी की उदारता ही आज भारतीय राजनीति की आवश्यकता है जिसको लेकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने गौरक्षकों की बात की, हिंसा किए जाने की, हिंसा का कोई समर्थक नहीं कर सकता, न सदन में न सदन के बाहर। वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गायों की रक्षा करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए कुछ लोगों की मान्यता आहत हो, दर्द हो। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो हिंसक हो, इससे सिर्फ गौरक्षकों के प्रयासों की बदनामी होगी। गायों के संरक्षकों का काम कानूनी और संविधान के सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं इसलिए आहत होकर कह रहा हूं कि जिस संगठन को आप नहीं जानते हैं उस संगठन के बारे में बिना आधार के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपको गौरव होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवक, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, आपने घोर विरोध किया, लेकिन जनादेश का सम्मान तो गणतंत्र में सबको करना पड़ता है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री आज स्वयंसेवक नहीं है? क्या आप रोक लेंगे उनको? ये किस तरह की भाषा बोलते हैं? और इसलिए मैंने कहा कि कोई भी आरोप लगाए, सरकार देश का माहौल नहीं बिगाड़ रही। भाजपा शासित राज्यों में हिंसा के विरुद्ध तुरंत कानून उठाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। आप लगाइए आरोप, लेकिन आरोप का आधार क्या है? कार्रवाई नहीं हुई यह कहना बिल्कुल गलत है। पूरी तरह से कार्रवाई हुई है, जेल में है लोग। विपक्ष इस मामले को सांप्रदायिक दंग देकर भारत को विश्व के नक्शे पर बदनाम करने की कोशिश न करिए। हमारी अपील है आपसे, भारत आपका भी है, जितना आप भारत पे गर्व करते हो उतना ही हम करते हैं। गर्व का कोई सेंसेक्स नहीं होता, पैमाना नहीं होता कि आप ज्यादा करते हो और हम कम करते हो, हम ये कभी नहीं कहेंगे। जितना भारतीय होने पर गर्व हमें है उतना ही आनंद शर्मा जी को है, उतना ही हमारे गुलाम नबी भाई को है, उतना ही राम गोपाल जी यादव को है। इसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। झारखंड की बात कही आपने, तथाकथित गौरक्षकों ने अपने हाथों में कुछ कानून लिया और उन शख्स को मारे जाने के बाद मामले को अब तक गिरफ्तारी की गई है। कितनी मालूम है आपको? 8 लोग गिरफ्तार हुए। आपने कल कह दिया कुछ भी नहीं हो रहा, और हमारे गुलाम नबी साहब ने कहा कि मैं तो अध्ययन कर रहा हूं। गुलाम नबी साहब, जब आप कल बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आप शायद अखबार की कटिंग की घटनाएं बता रहे हैं। बताना चाहिए, अगर हम 10 साल की घटनाएं सुनाए आपको तो 10 किताबें बन जाएगी 200-200 पेज की यूपीए सरकार की। ये घटनाएं समाज है, सरकार को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए लेकिन समाज को भी जागरूक करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सरकार तब गफलत में होती है जब सरकार कार्रवाई नहीं करे, सरकार डंके की चोट हर राज्य में, चाहे हम 17 राज्यों में हो चाहे एक। हम जब 2 थे सदन में तब भी हमने धैर्य नहीं खोया, धैर्य हमारा धर्म है। दुर्भाग्य है कि आज धैर्य खो रहे हैं आप, चाहे जो आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की आपने, वहां गुंडागर्दी रोकने के लिए क्या नहीं किया जा रहा है? बिगड़े माहौल को संभालने में समय लगता है। हमारी नियत प्रसंग का मत करिए, हम कभी एक चाटा नहीं मारते किसी को, और कोई भी मॉब लिंचिंग करता है तो गुनाह करता है। इसका जब आपको हमारे मंत्री जी ने बताया, हमारे नकवी जी ने कल बताया था, राजस्थान हरियाणा तमाम सारी बातें आपने कही। एक मिनट, काश गुलाम नबी साहब कल हिमाचल की बात भी आप करते, कल आप कर्नाटक की, मुझे लगा कि वहां तो कुछ होता ही नहीं। आपने सारे, आज क्या हुआ है शिमला में, मैं जानना चाहता हूं। क्या उसके लिए मैं वीरभद्र जी को जिम्मेदार बताऊंगा? ऐसा नहीं होता है।
कोई भी सरकार अपने शासन में हत्या बलात्कार इन सब को निंदा करती है, मॉब लिंचिंग की निंदा करती है, कोई जानबूझकर नहीं करता। गलती होती है जब सरकार कार्रवाई नहीं करे। आज मैं कहा कर्नाटक में क्या नहीं हुआ, झंडा बदलने की बात पर कुछ बोल नहीं रहे आप, एक तिरंगा और आप उस कर्नाटक की प्रशंसा करेंगे आप? आप बोलिए ना कि झंडा नहीं बदला जाएगा, भारत एक राष्ट्र और एक राष्ट्र होएगा, कोई माई कलाल इसको दो झंडों से नहीं जोड़ सकता, ये आपने नहीं कहा। इंडियन स्पेन रिपोर्ट के अनुसार 2017 में उत्तर प्रदेश में गाय संबंधित हिंसा की मात्र 10 घटनाएं हुई हैं, ये मेरा नहीं, ये सर्वे है। हरियाणा में 9, अभी शरद यादव जी बता रहे थे, गुजरात में 6, कर्नाटक में 6, मध्य प्रदेश में 4, दिल्ली में 4 और राजस्थान में 4 घटनाएं हुई हैं। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भी ये घटनाएं कुछ हुई हैं। उत्तर पूर्व में एकमात्र घटना हुई है। संघ भाजपा का नाम लेकर कब तक अपनी राजनीति करेंगे आप? मैं तो इतना ही जानता हूं कि अभी आपने कहा था, कपिल सिब्बल साहब चले गए, सैनिक की बात कही थी कि सरहद पे लड़ो जाके, सरहद पे लड़ने वालों का कितना सम्मान करते हैं आप। आपके ही पार्टी के एक पूर्व सांसद ने क्या कहा, मैं सुनाना चाहता हूं। आपके पार्टी के पूर्व सांसद आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान उल जुलूल हरकतें और बयानबाजी करता है, खराब तब लगता है जब हमारे थल सेनाध्यक्ष सड़क के गुंडे की तरफ बयान देते हैं और पाकिस्तान ऐसा करता है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं। गुलाम नबी जी, काश इसको आप कंडेम करते और कहते कि मेरी पार्टी ने स्ट्रांगली कंडेम कर दिया। हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली ओपनली मीडिया में सब चंदू में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन कहा उन्होंने आपके पूर्व सांसद वामपंथी के सीताराम जी येचुरी कल बहुत बड़े बड़े संघ संघ क्या क्या नहीं बोल रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को गौरक्षकों द्वारा हिंसा के राज्यों में जिम्मे नहीं डालना चाहिए, विदेशी मीडिया। अब मुझे आश्चर्य लगता है आजकल लोग, हमारे विपक्षी दल के लोग हिंदुस्तान नहीं पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ते हैं, डी राजा जी न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स, एक वाशिंगटन पोस्ट, बड़ी बात हो ये, हमारी सरकार क्या आ गई, विदेशी अखबार पढ़ने लगे आप लोग। देश के जमीन की सच्चाई जानिए, देश के जमीन की सच्चाई ये है कि ये आरोप लगाने के बाद भी महाराष्ट्र कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, गोवा कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, आसाम कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश कौन जीता, भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, कर्नाटक और हिमाचल और गुजरात भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं। अब एक जरा सुन लीजिए, बताइए, अब जो कह रहे थे आप बधाई दीजिए राष्ट्रपति जी भी। अब आप देखिए, एक मिनट, पूरे मुझे तो ये कह रहा, छोड़ दो उनको ये कह रहा। मैं वामपंथी के सीताराम येचुरी जी को आईना दिखाना चाहता हूं। माननीय नकवी जी, कौन भूल सकता है 21 जुलाई 1993 की वो घटना, वो जब बंगाल के वामपंथी सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम गोलियां चलाई जिसमें 23 लोग मारे गए थे। और इस मामले की जांच कर रहे आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश सुशांत चट्टोपाध्याय ने इस बर्बर घटना पर कहा था कि जलियांवाला बाग नरसंहार से भी बदतर हुई है बंगाल की घटना। क्या बात करेंगे सीताराम येचुरी जी, जहां कुछ बचे हैं ना वहां भी साफ हो जाएंगे अगर ये हरकतें रही तो। इसलिए बोलते समय सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये गुलाम नबी जी, ये कांग्रेस के लोग मारेंगे। हम जब व्यक्ति मरता है तो ना कांग्रेस का होता है, ना बीजेपी का होता है, ना विपक्षी होता है, वो इंसान होता है। और मानवता के पुजारी के नाते हम सब लोग इस सदन में मानवता पर आहत होने वाली हर बात का विरोध करते। गत 50 वर्षों में केरल में क्या हो रहा है? अच्छा होता गुलाम नबी जी आप बोलते
केरल में मॉब लिंचिंग करके भाजपा के और संघ के 267 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, कौन जवाब देगा इसका? किसकी सरकार है वहां पे, हम जानना चाहते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डी राजा जी ने कहा, प्लीज प्लीज बैठिए 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 प्लीज प्लीज। मैं बताता हूं नहीं, सच नहीं सुनेंगे, सच नहीं सुनेंगे। बैठ जाइए। मॉब लिंचिंग के लिए हम जिम्मेदार और ये कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार, आप प्रभात जी आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। चेयर को एड्रेस करिए प्रभात जी, बैठ जाइए सब। मैं इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात आई, अखिलेश सरकार जी थी जब था वहां पे, तो सांप्रदायिक हिंसा के 247 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश 2013 में दंगों के सिलसिले में भारत में नंबर एक था, भारत में नंबर एक। किस मुंह से आप हम पर आरोप लगाते हैं? ये आंकड़े सब सरकारी हैं, मैं कोई कार्रवाई है सदस्य के बोले अलावा नहीं जाएगी, किसी भी सदस्य का अपने कार्रवाई में शामिल नहीं करना है। प्रभात जी, प्रभात जी एड्रेस को एड्रेस टू द चेयर सुन लीजिए, जो किया है जनता, एड्रेस टू द चेयर प्रभात जी। 2014 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अखिलेश सरकार ने जवाब दिया विधानसभा में कि 77 लोगों की जान गई सांप्रदायिक हिंसा में, इसका जवाब कौन देगा ये मैं जानना चाहता हूं। इसका कोई जवाब नहीं देंगे आप। आप हमसे 100 दिन का हिसाब मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 दिन हुए नहीं, आप हिसाब मांगने लगे। पिछले दिनों सहारनपुर की हिंसा की सब लोग बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, सुनेंगे सुनेंगे, नहीं तो देश सुनाता ही है। सहारनपुर जिले में 13 अप्रैल 2017 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने में हिंसा की जो घटना हुई, इस हिंसा ने कुछ ही देर में सांप्रदायिक रूप ले लिया, दलित मुसलमान आमने सामने आए, लेकिन सरकार आगजनी हुई, सरकार ने तत्काल कॉग्निजेंस लिया और जो अपराधी हैं उनको जेल में ठोका है और उन पर मुकदमा चला रहे हैं। सरकार यही करती है, सरकार इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। अब मैं थोड़ा सा आऊंगा, चले गए ममता बहन जी की पार्टी के लोग, कितना समय लेंगे? दो मिनट। 2014 बैठिए, आप सब बैठिए प्लीज, बैठ जाइए, आप बोलने दीजिए, योगदान खड़ा मत करिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 50 से अधिक लोगों की राजनीतिक हत्या हुई, कहां थे आप? ऐसे जवाब चाहता हूं कि क्या ये मॉब लिंचिंग नहीं था, क्या ये हत्या होनी चाहिए थी? इसका जवाब आप नहीं देंगे। आप बैठ जाइए। सभापति महोदय बैठ जाइए, मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आप बैठिए बैठिए ना, बैठ जाइए। नहीं आपकी बारी आए तो बोलिए ना, बैठिए नीचे बैठिए, जी बैठिए, आपने पूरा मौका ले लिया, बैठिए ना, आपका मौका है तो बोलिए, बैठिए नीचे बैठिए, आप सीधे नंबर बैठिए।
कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। प्लीज बेटे, प्लीज प्लीज आप बेटी 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 आप बेटी बेटी आरन जी आप बेटी बेटी जो कुछ सिखाया है वो आप बेटी 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 या सीखने सिखाने की बात नहीं, बोलने की बात हो रही है। बेटी आप नीचे बैठिए, आप नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, देखिए मैं खड़ा हूँ और आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, देखिए पीछे से बैठिए आप। आठवाले जी, आठवाले जी, आठवाले जी बैठिए आप, आठवाले जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, नीचे बैठिए आप। वो माया मंत्री के चक्कर में बैठिए, बैठिए बैठिए, सब बैठिए, बैठिए अब बैठिए, अब बैठिए, आठवाले जी बैठ जाइए। चलिए प्रभात जी, आज मैं समाप्त कर रहा हूं, दो लाइन में कंक्लूड करिए। हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अब बैठिए ना, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, केवल प्रभात जी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में जाएगा। अब बैठ जाइए, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत। चलिए बैठिए, नहीं 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 गलत बोल रहे हैं मिश्रा जी, आपसे उम्मीद नहीं है, आपकी बारी आने पर बैठ जाइए। मैं आखिरी बात अपनी कह रहा हूं जी, मैं सबसे निवेदन करता हूं अपने अपने बयानों पर अडिग रहना चाहिए और ऐसा बयान किसी को नहीं देना। जया जी एक मिनट, मैं फिर कहूंगा, फिर आप गुस्सा हो जाओगे। आजम खान साहब ने क्या कहा था मैं सदन को बताना चाहता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए, बोलना चाहिए उनको। प्रभात जी मेरी तरफ बोलिए ना। हिम्मत है तो बीफ बेचने वालों, होटलों को बाबरी की तरह तोड़ दो, ये कौन सी भाषा है मैं समझना चाहता हूं। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए न मुझे न किसी को जिससे देश की अखंडता और एकता को आघात पहुंचे। अंडर विच रूल? व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था का प्रश्न है, नहीं इनको बोलने दीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, काय की व्यवस्था सुनना पड़ेगा, व्यवस्था का प्रश्न है। आप कौन से नियम के अंतर्गत व्यवस्था चाह रहे हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि मॉब लिंचिंग नियम जो कहती है, जो व्यक्ति सदन करते हैं नहीं है सरकार का नाम आप नहीं ले सकते, ठीक है? हम देखेंगे, हम देखेंगे इसको, यदि नहीं इरेलेवेंट है तो उसको हटा दिया जाएगा, इरेलेवेंट है तो हटा दिया जाएगा, धन्यवाद।